की मुलजिमा शालू पर ये इल्जाम है कि ये आजाद नाम के एक नौजवान से प्यार करती है, मगर अपने अंदर के प्यार को बाहर नहीं आने देती, जिसकी वजह से वो खूबसूरत नौजवान अपनी जान देने पर तुला हुआ है। अगर उसने जान दे दी तो उसकी जिम्मेदारी ये मुलजिमा होगी। योर ऑनर, ये गलत है। योर ऑनर, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, एक गुंडे मवाली से कैसे प्यार कर सकती हूँ? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये प्यार करती है, इसका मेरे पास ठोस सबूत है, जो मुलजिमा के तकिए के नीचे से पाया गया, ये गुल्ली। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। दरअसल इस प्यार की शुरुआत इस गुल्ली से हुई थी मिलोर। इस गुल्ली के जरिए ही आजाद इसके दिल में छेद करके अंदर घुसा था। आजाद ने ये छेद वाला एक्सरे मुलजिमा को दिया था, ये भी मुलजिमा के बेडरूम से बरामद हुआ है। आजाद का दिल मुलजिमा के प्यार में किस बुरी तरह जख्मी होकर गायब हो गया है, ये साबित करने के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए योर ऑनर? आप खुद ही देखिए। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुलजिमा को इस जुर्म की माकूल सजा दी जाए। That's all, Your Honor. इन सबूतों से ये जाहिर होता है कि मुलजिमा शालू आजाद से प्यार करती है। अगर कल सुबह तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो तुम्हारे हॉस्टल के पीछे जो रेल की पटरी है ना, वहां लेटकर ट्रेन के नीचे अपना सर दे दूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। मैं कहती हूँ उठो यहाँ से। अब यहाँ से मैं नहीं, मेरी लाश ही उठेगी गुल्ली। 5 मिनट में ट्रेन आती होगी, अगर 5 मिनट के अंदर तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहीं लेटा रहूंगा और ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दूंगा। आजाद, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? उठो प्लीज। पहले तुम मुझे आई लव यू कहो और वो माला उठाकर मेरे गले में डाल दो, मैं फटाक से उठ जाऊंगा। अरे सोच क्या रही हो, गर्दन धड़ से अलग होने के बाद फैसला करोगी क्या? नहीं, पटरी हिलने की आवाज मेरे कानों तक आ रही है, मतलब ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। लगता है ये माला तुम मेरी लाश पर ही डालोगी। आई लव यू आजाद, आई लव यू। आज रेल हड़ताल? यू चीट। आज रेल हड़ताल है इसलिए पटरी पर आकर लेते हो? वो तुम एक नंबर के गुंडे बदमाश शर्म वाली हो। मगर शालू, शालू वालू कुछ नहीं, तुम एकदम चालू हो। हाँ। मगर फिर भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये देखो ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। अरे साहब आप एक काम करो, आप चलो हम आते हैं। चल। नमस्ते नमस्ते, कहिए क्या सेवा करें आप लोगों की? आप तो जानते हैं पिछले 20 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ? मगर अभी तक हमें राशन कार्ड नहीं मिला। क्या बात करती? हाँ, पीने के पानी की बहुत तकलीफ है। अच्छा आप लोग एक काम करो, अपना अर्जी दो, हम उस पर रोशनी डालूंगा और फौरन जो उसका काम करा दूंगा। लाओ जल्दी लाओ, चल लाओ भाई, लाओ जल्दी लाओ। भारत देश में यही तो चलता है, खाली एप्लीकेशन चलता है, काम नहीं चलता है। अभी देखो हम कैसे काम को बढ़ावा देते हैं। जल्दी करो बाबू, अच्छा लिखा है ना, ऐसा ना हो दूसरी बस्ती का काम कराए ढले। अरे कितना प्यारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा है। अरे मुझु मुझु मुझु। अच्छा तो भाइयों अपने अपने घर जाओ, सुखी रहो, हम फिर आऊंगा। चलो जाओ जाओ, जय राम जी की, बहुत सुखी रहो। अरे काहे गाड़ी पे पार्टी को फटाक देने से पटक रहे हो? लगता है कि तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। आए? उस दिन तुम कैश में आके क्या कह रहे थे? का? कि मैं बस्ती वालों को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, उनको निकाल दूंगा, मिटा दूंगा, और आज उन्हीं की अर्जियां ले रहे हो, उन्हीं की शिकायतें सुन रहे हो। अरे हम स्लम क्लियरेंस बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहता हूँ ना, तो थोड़ा सा नाटक कर रहा था और कुछ नहीं साहेब। लगता है कि तुम उनके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी नाटक कर रहे हो। अरे नहीं सरकार, तुम तो हमारे अन्नदाता हो, हमारे माई हो, हमारे बाप हो, हमारे माई बाप हो, तुम्हारे साथ नाटक करके किसी को मरना है का? तो फिर हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि झोपड़पट्टी यहाँ से खाली करवाओ, हमें यहाँ पर एक 5-स्टार होटल बनाना है। हमेशा हाँ हाँ करते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। अच्छा चलो आज गुस्सा थूक दो, आप यही चाहते हैं ना कि ये झोपड़पट्टी ही आना रहे, तो चलो कल हम अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा।
तुम्हारे जन्मदिन ना मनाने से झोपड़पट्टी हटने का क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध है साहेब। जैसे हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट काम से संबंध है ना, वैसे ये बस्ती वालों काम से संबंध है। ये बस्ती वाले हमको वोट देते हैं तो हम इलेक्शन में जीतते हैं। अब कल इनकी बस्ती जलकर राख हो जाएगी तो ऐसे गम के माहौल में हम अपने जन्मदिन की खुशियां कैसे मना सकते हैं? फिर समझ में नहीं आया तो काम करो, कल के अखबार में खबर पढ़ लेना। हम आपको कौन सी भाषा में धीरज दे, कौन सी भाषा में आश्वासन दे, हमारे पास शब्द नहीं है। हम थोड़ी सी भेंट लाए, गरीब की भेंट स्वीकार कर लो। चले भाई बहनों को खाने का पैकेट दो, जल्दी करो। चलो चलो ले आओ, सब भूखा है। चलो, सो सामान चल गया, उसका नुकसान तो पूरा कर देंगे, लेकिन इस बेचारे की मासूम बच्ची चलकर राख हो गई, उसे कौन वापस लाएगा? अरे नहीं बहन, भगवान के लिए नहीं रो। अरे जब तोरा दुख हमसे नहीं देखा जाता है तो ये बेचारी तो माँ है, इनके दिल पर का बीत रही होगी मच्छी तरह जानते हैं। हम भी डरबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमको मालूम है जब किसी माँ की औलाद बिछड़ जाती है तो उसका कलेजा फट जाता है। ना माँ, ना ना, नहीं रो, हम हैं, चिंता नहीं कर। न जाने वो कौन राक्षस है जिसने हमारी बस्ती में आग लगाई। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा गलत मत सोचिए, हम पूरा तहकीकात कराया हूँ तो पता चला कि दुर्घटना का जिम्मेदार और कौनो नहीं है, एक अम्बकर ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है, इसमें से चिंगारी निकलता है तो थोड़ा सा चिंगारी उड़ के झोपड़ा पे गया और झोपड़ा में आग लग गया तो ऐसा हो गया। लेकिन आप लोग चिंता नहीं करो, हम दूसरा सुरक्षित जगह ढूंढ रहा हूँ और जैसे ही जगह मिलेगा आप सबको यहाँ से निकाल के वहाँ आराम से बसाए देंगे। कौन? मुझे नेताजी हिरात मिश्रा ने आग लगाने के लिए कहा था। और हम कसम खाता हूँ कि जब तक आप लोगों का दुख दर्द दूर नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। ये हमारा वादा है डरबा डिस्ट्रिक्ट वाले का। तब हम चलता हूँ, जय राम जी की। कतना गंदा बस्ती है यहाँ तो फ्लेट मारना चाहिए। चले ड्राइवर, तू कायद रुका हुआ है क्या? तेरी तो ए रुक, खाओ खाओ उस कमीने के टीवी शूटर, खाओ। अरे बेवकूफो, कब अकल आएगी तुम लोगों को? पहुंचो तुम लोगों के आंसू दोनों से का नाटक करके गया ना, उसी हरामजादे ने अपनी बस्ती में आग लगाई है। ठीक कह रहे हो रजाक भैया, हाँ ठीक कह रहे हो, उसी ने चल चलिए अपनी बस्ती खाली करवाने के लिए। खबरदार जो नेताजी के बारे में कुछ शराब शराब बोला तो सवाल खींच लूंगा तेरी। समझता क्या है अपने आप को? उल्टी सीधी बातें करके लोगों को भड़का रहा है क्या नेताजी के खिलाफ? है कोई सबूत, है कोई गवाह तेरे पास? अरे सबूत है वो, तू गवाही दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं गवाही नहीं दूंगा। वो मेरे बच्चों को मार डालने के आजाद भैया, मुझ में रहम करो, रहम करो आजाद भैया। चुप क्यों हो गया? चल बता। और तुम लोग सुनो, इसकी बातों में मत आना। हमारे नेता तो देवता है, देवता। और देवता कभी पाप कर सकते हैं? अरे दोबारा नेताजी पे इल्जाम लगाया ना तो सीधे अंदर कर दूंगा, टांगे तोड़कर सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा, समझा क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, आज मैं उस नेता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मार डालने से क्या होगा आजाद? क्या हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? ये जली हुई बस्ती क्या फिर से बच जाएगी? चंपा मौसी की बच्ची क्या फिर से वापस लौट आएगी? तो मैं क्या करूँ, सब कुछ जानते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँ। आजाद भैया, आजाद भैया, तुम्हारा लेटर पोस्टमैन देकर गया। क्या हुआ, किसकी चिट्ठी थी? आपने जो इंस्पेक्टर बनने की अर्जी भेजी थी ना, उसी का इंटरव्यू लेटर आया। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने अभी अभी पूछा था ना कि मैं क्या करूं, तुम्हारे सवाल का जवाब अपने आप मिल गया है। तुम इंस्पेक्टर बन जाओ आजाद। अरे मुझे नहीं बनना इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आखिर तुम पुलिस की नौकरी क्यों नहीं करना चाहते, क्या बुराई है उसमें? पुलिस की नौकरी और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है काकी। अरे नहीं जमेगी मुझे पुलिस की नौकरी। क्यों नहीं जमेगी आजाद? हम लोगों के पास है ही क्या? भूख, गरीबी, लाचारी, दौलत और ताकत तो अमीरों के पास होती है, उनसे लड़ने के लिए हमें कोई तो सहारा चाहिए। जरा सोचो बेटा,
हम गरीबों के दुख दर्द समझने वाला तुम जैसा कोई हमदर्द अगर पुलिस का अफसर बन जाए तो हम लोगों के लिए कितना बड़ा आसरा हो सकता है। आजाद भैया, तुम पुलिस वाले बन जाओ और हमारी मुन्नी को जलाने वालों को खूब मारो। Excellent.